दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एडहेसिव बनाना सीखेंगे। प्रैक्टिकली एडहेसिव मैंने कभी बनाया नहीं है, मतलब ये जो वीडियो है एकदम प्रैक्टिकल हम बनाना सीखेंगे, एडहेसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये सिंथेटिक एडहेसिव है। एडहेसिव तरह तरह का होता है, पेपर में चिपकाने के लिए एडहेसिव होता है, रबर में चिपकाने के लिए होता है, और ये लकड़ी में, कांच में, मेटल चिपकाने के लिए भी एडहेसिव मिलता है। तो आज हम जो एडहेसिव बनाना सीखेंगे वो है थोड़ा अच्छा क्वालिटी का एडहेसिव होगा और ये पेपर में चिपकाने वाला होगा। ठीक है, धीरे धीरे एडहेसिव का वीडियो आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये एडहेसिव बनाने के लिए किन किन मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे और ये कैसे प्रैक्टिकली बनाया जाता है, और आप अगर इसे इसको लेकर बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या लाइसेंस लगेगा, कितना लागत लगेगा, अगर मशीन लगेगा तो क्या लगेगा, पूरा जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करें। ऐसा ही दोस्तों, अगर एडहेसिव का तरह तरह का एडहेसिव आता है मार्केट में, तो बहुत तरह का एडहेसिव का फॉर्मूला मेरे बुक में मिल जाएगा आपको। एडहेसिव का बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट बुक आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड बुक में भी बहुत सारा फॉर्मूला है, फेविकॉल का है, वेमिकॉल का है। ठीक है, ऐसा ही एडहेसिव बना के बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट सेकेंड बुक को परचेस कर सकते हैं, उसमें आपको सारा जानकारियाँ मिल जाएगा। दोस्तों ये सिंथेटिक एडहेसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो लगेगा वो है PVA, पॉलीफिनाइल अल्कोहल। देखिए ये PVA दो तरह का होता है, एक तो PVA जो होता है ठंडा पानी में मैंने घोलने के लिए होता है, और एक PVA होता है जो गर्म पानी में घोलता है। ठीक है, तो आज हम जो बनाएंगे ये ठंडा प्रोसेस में है। ठीक है, तो पहले आपको PVA ले लेना है, उसमें अभी डालेंगे फॉर्मलिन। ये फॉर्मलिन के बिना कोई अच्छा एडहेसिव नहीं बनता है। ठीक है, एडहेसिव का मतलब ही है फॉर्मलिन, ज़्यादातर फॉर्मलिन का इस्तेमाल इसमें होता है। ठीक है, और फॉर्मलिन में देखिएगा बहुत ही झाँज निकल के आता है, बहुत एक झाँज आता है, और इसमें लगेगा दोस्तों पानी। ठीक है, तो पानी डालने से पहले थोड़ा इसको फॉर्मलिन के साथ थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। देखिए कैसा हो रहे हैं। अच्छा से इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है, ये RO वाटर है, डाल दिया, अभी इसको अच्छा से मिक्स करते जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये जो PVA है पूरा मैंने एकदम अच्छा से मिक्स होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसको छोड़ना पड़ेगा, 4-5 घंटा के लिए इसको छोड़ देना पड़ेगा, इससे पहले अच्छा से इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये, ठीक है, आप जब बनाइएगा तो हल्का सा गर्म पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये जल्दी बन जाए, तो इसे थोड़ा छोड़ देते हैं, इसके बाद देखेंगे 4-5 घंटा के बाद। देखिए 5-6 घंटा के बाद बीच बीच में इसे आपको थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका रिज़ल्ट ऐसा हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का गम है और ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है,
और ये किसी भी पेपर को बहुत ही अच्छा माने एकदम एक झटका में चिपक देता है, बहुत ही अच्छा ये काम है। देखिए इसका रिजल्ट देखिए, बस हो गया। ठीक है, तो ऐसा आप भी बना सकते हैं। फिर ये सिंथेटिक है तो ये देखिए हाथ में ये ऐसा आता है, ये देखिए सिंथेटिक है। ये मार्केट में आप आसानी से सेल कर सकते हैं, जितना मार्केट में देखिएगा गम बिकता है। ठीक है, इसी प्रोसेस में बनता है। आप हॉट प्रोसेस में भी बना सकते हैं, गर्म विधि में पानी गर्म करके उसमें पीवीए देकर, सेम प्रोसेस है। ठीक है, और ये कोल्ड प्रोसेस में भी बनता है। ठीक है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा होता है इसका। देखिए थिकनेस, विस्कोसिटी, और ये देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आप घर से ही ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा लाइसेंस का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एमएसएमई सर्टिफिकेट करके बाद में जीएसटी लीजिएगा, जीएसटी अभी ज़रूरत भी नहीं है, बस एमएसएमई। और आप अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में रहते हैं तो एक ट्रेड लाइसेंस बना लीजिएगा। ठीक है, करके बस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-6 हज़ार रुपया से आप शुरू कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों ऐसा बॉटल भी मार्केट में मिल जाएगा, थोड़ा सा कलर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो। ठीक है, करके आप इसमें भर के आसानी से मार्केट में आप इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय।